हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं शूट कर रही हूँ एक हॉल वीडियो, और आज के वीडियो में मैं हॉपकॉस से जो भी मैंने अपनी बेटी के लिए ड्रेस मंगाई है, आज मैं उसका रिव्यू देने वाली हूँ। मैं वैसे अपने बेटी के लिए हॉपकॉस से बहुत सारे कपड़े मंगाती हूँ, इवन जो अभी मेरी बच्ची ने पहना हुआ है ये भी हॉपकॉस से था। तो कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम, आपकी बच्ची बहुत स्टाइलिश कपड़े पहनती है, तो आप कहाँ से मंगाते हो? तो वैसे तो बहुत मैं अलग अलग ऑनलाइन वेबसाइट से मंगाती हूँ, लेकिन आज मैं स्पेशली हॉपकॉस को रिव्यू करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं आज मैंने अपनी बच्ची के लिए क्या मंगाया है, कैसे कपड़े हैं, और फिर उसके बाद मैं अपनी बच्ची को वो ड्रेस पहना के भी आपको दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पैकेट को ओपन कर लेते हैं, और इसमें मैंने तीन ड्रेसेस हैं और एक मैंने अपनी बेटी के लिए शूज़ मंगवाए हैं। तो चलिए आपको एक एक करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे कुछ ये पैकेट आए हुए हैं। ये मेरे बेटी के लिए जो मैंने शूज़ मंगवाए हैं वो है। तो इसमें मैं आपसे प्राइस भी डिस्कस करूंगी कि ये मुझे कितने के पड़े हैं। वैसे हॉपकॉस से मैं काफ़ी ड्रेसेस मंगाती हूँ, और मोस्टली ड्रेसेस जितनी भी स्टाइलिश ड्रेसेस हैं दोस्तों, तो वो हॉपकॉस से ही होती है। तो जैसे ये जीन्स है, शॉर्ट जीन्स है, और ये क्रॉप टॉप है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है दोस्तों। और जितना ही आपको वीडियो में लुक वाइज ब्यूटीफुल लग रहा है ना, उतना ही कम्फर्टेबल है। इसकी जीन्स मुझे बहुत अच्छी लगी है, और मेरी बच्ची के लिए बिल्कुल कमर में निशान नहीं है। पहनाने के बाद मेरी बेटी को तो बिल्कुल कमर में निशान नहीं आए। और ये इसकी जो कॉस्ट पड़ी थी मुझे आफ्टर डिस्काउंट 725 की पड़ी थी। फिर ये जो नेस्ट है, इसका जो फैब्रिक, ये भी क्रॉप टॉप है, और प्लस इसमें ये पैंट है, जीन्स का नहीं है। फैब्रिक इसकी नायलून है, और लेकिन और जो ये ऊपर है ये होजरी है, लेकिन कपड़ा बहुत सॉफ्ट है। और नहीं आप और आपकी जो बेबी की स्किन है वो ब्रीथ करेगी, ब्रीथेबल क्लॉथ यूज़ किया है। और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इनको देखो मस्ती करनी है, मतलब बीच बीच में इनको शैतानी करनी है, इनको वीडियो में आना ही आना है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी, ये 742 की मुझे पड़ी थी, विच इज़ आफ्टर डिस्काउंट। तो नेक्स्ट मैंने अपनी बेटी के लिए एक स्कर्ट प्लस टॉप मंगाया था। तो इसके अंदर इसमें बेल्ट, पॉकेट बेल्ट भी इंक्लूड है। और लेकिन मैं दोस्तों पर्सनली, ये थोड़ी मुझे जो इसकी स्कर्ट थी वो मुझे थोड़ा सा इसमें हैवी कपड़ा यूज़ किया हुआ लग रहा था। मींस मतलब गर्मी में आपकी बच्ची को पैरों में गर्म लग सकता है। लुक वाइज तो काफ़ी स्टाइलिश है, लेकिन कंफर्ट में मुझे थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लगा। टॉप इसका अच्छा था, लेकिन कम्फर्ट वाइज इतना अच्छा नहीं था। तो दोस्तों, इसके साथ आ जाती है ये बेल्ट और प्लस पॉकेट इसमें मिलती है। आप इसको आप बेबी के लिए, वैसे अगर आप इसे पहनाएंगे, छोटा बच्चा 1 से 2 साल के बीच का बच्चा है या उससे छोटा बच्चा है, तो ये फिर जो पॉकेट है काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है जब बच्चा आपका बैठता है। तो वैसे आप इसे हटा सकते हैं, बेल्ट यूज़ कर सकते हैं, ये डिटैचेबल है। और बाकी ये ड्रेस लुक वाइज तो बहुत अच्छी है। तो इसको वैसे मैं नहीं रखूँगी, ये मैं वापस करूँगी, क्योंकि स्कर्ट इसकी काफ़ी मोटी आई है। नेक्स्ट दोस्तों, मैंने मंगवाए हॉपकॉस से शूज़। तो इसकी क्वालिटी देख लेते हैं कैसे हैं। वैसे दोस्तों, हॉपकॉस से मोस्टली ड्रेसेस अच्छी आती है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता है। मैंने पहले काफ़ी ड्रेसेस मंगाई हुई हैं, कुछ तो इतनी अच्छी और इतने रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं, और कुछ काफ़ी महंगी भी होती है, लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो ये आप पे, वैसे आप अभी दिवाली आ रही है, तो दिवाली में बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है हॉपकॉस से। तो अच्छा दोस्तों, मैं पहले जैसे बता दूं, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इसे हॉपकॉस ने स्पॉन्सर नहीं किया है। ये मेरे अपने रिव्यू हैं, मुझे लगा मुझे आपसे शेयर करना चाहिए, तो ये मैं शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये है शूज़ की कुछ क्वालिटी और कुछ ऐसा लुक है। और जो इसकी कॉस्ट पड़ी, ये मुझे काफ़ी चीप रेट में पड़ गया दोस्तों। असल में जो इसकी कॉस्ट थी वो कुछ 600 थी, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे 445 का मिल गया, तो विच इज़ वेरी चीप। और क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, आपको मैं दिखा दूँ लुक। ओवरऑल इसका लुक भी बहुत अच्छा है, और ये मेरी बेटी मैं मज़े से बैठी हुई है, मतलब इनको रहना ही रहना है वीडियो में। ये देखिए, आपको मैंने कपड़े दिखाए, इन्होंने पहले उठाना शुरू कर दिया। तो चलिए एक एक करके इनको ड्रेस पहनाते हैं।